हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ रेहू मछली की रेसिपी, जो कि एकदम देहाती स्टाइल से बनाने जा रही हूँ। तो आप तो बहुत तरीके से बनाए होंगे, लेकिन आज मेरे इस तरीके से बनाए रेहू मछली। तो मैं 1 केजी रेहू मछली ली थी, इसको अच्छे तरीके से काट के धो के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। मछली में जो मैं मसाला यूज कर रही हूँ वह है 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और ये 16-17 लाल मिर्ची का पेस्ट बना लिए हैं। और उसके बाद ये है टमाटर का प्यूरी, जो कि हम बना के तैयार कर लिए हैं ग्रेवी के लिए। और ये 1 प्याज, बड़े साइज़ का प्याज था, उसका पेस्ट बना के तैयार कर लिए हैं। और ये जीरा और सरसों का पेस्ट है, दोनों को मैं एक साथ ही पीस के तैयार कर ली हूँ। तो चलिए मछली को हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें मैं डाल दी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इन सभी को मैं डाल के अच्छी तरीके से मिला लूँगी। और मिलाने के बाद मैं 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। और तब तक मैं कढ़ाई ले लेती हूँ। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिए हैं, जब ये अच्छी तरीके से गर्म होगा तब हम इसमें मछली डालेंगे। वरना क्या होता है कि तेल अच्छी तरीके से पक नहीं पाता है, तो मछली को डालिएगा तो चिपक जाता है, चिपकने का डर रहता है। और फ़ौरन के लिए मैं 1 चम्मच जीरा और 2 तेज़पत्ता यूज कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मेरा मछली लगभग 5 मिनट सेट होने के लिए छोड़ दिए थे और पूरा चारों तरफ से अच्छी तरीके से लगा दिए हैं लहसुन का पेस्ट और नमक हल्दी। तो चलिए अब फ्राई करते हैं। तो इसी तरीके से तेल गरम हो चुका था, तो अब मैं इसमें मछली डाल रही हूँ। मछली डाल के इसको एकदम मीडियम फ्लेम पे लगने दें। इसी तरीके से सभी मछली को मैं बारी बारी से फ्राई करके तैयार कर लूँगी। तो देख सकते हैं जब मछली एकदम पक जाएगा तब हम इसको पलटाएंगे, नहीं तो टूट जाता है, मछली अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होगा। और अगर आप पहले पलटाना शुरू करते हैं तो वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। और मछली जब अच्छी तरीके से पक जाता है तब आप पलटाते हैं तो बिल्कुल नहीं टूटेगा, एकदम गोल गोल पीस बन के तैयार होगा आपका। तो देख सकते हैं ऐसे मैं लहसुन हल्दी और नमक डाल के मछली को फ्राई कर रही हूँ। आप फ्राई मछली खाना चाहते हैं तो मिर्ची पाउडर भी डाल दें इसमें, जिनको तीखा पसंद है। तो बहुत टेस्टी बनेगा मछली आपका। अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो बिना मिर्ची पाउडर के ही बनाएं, तो बच्चे बड़े प्यार से खाते हैं। तो देख सकते हैं मछली का कलर कितना अच्छा आ गया है, मछली बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो अब मैं सभी मछली को बारी बारी से निकाल लूँगी। मछली का कलर देख सकते हैं कितना एकदम अच्छा है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो मेरे इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें रेहू मछली की रेसिपी। और अच्छी लगी हो ये मछली की रेसिपी तो कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव शेयर करें, जिसके माध्यम से मैं जान सकूं कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है। तो देख सकते हैं मछली कितना अच्छा फ्राई हो चुका है। तो मछली हम फ्राई कर लिए हैं, चलिए अब ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी जीरा और तेज़पत्ता। तो जीरा तेज़पत्ता डाल दिए, ये पक जाएगा। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट डाल दिए,
कुछ देर तक, दो मिनट, लगभग दो मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और जब प्याज का पानी सूख जाएगा, प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। अगर प्याज के साथ आप लहसुन डाल देते हैं तो मसाला चिपकने लगेगा कढ़ाई में, और मसाला अच्छे तरीके से, जब आपका मसाला चिपक जाए तो आप कितना भी पकाइए, मसाला आपका अच्छा पक के तैयार नहीं होता है। इसलिए जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, उसी तरीके से आप भी मसाला फ्राई कीजिए। और देखिए मछली का ग्रेवी कितना परफेक्ट बन के तैयार होता है, और कलर भी कितना अच्छा आता है। तो आप देख लिए, मैं इस स्टेज पर डाली लहसुन का पेस्ट, और अब मैं इसको चलाते हुए पका लूँगी। जब इसका कलर चेंज होगा तब हम इसमें डालेंगे मिर्ची का पेस्ट और टमाटर का प्यूरी, और सबसे लास्ट में हम जीरा और सरसों का पेस्ट बना के जो रखे थे वो डालेंगे। तब तक मैं इसको अच्छे तरीके से पका लेती हूँ भून के। तो देख सकते हैं मसाला बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसमें डाल दिए मिर्ची का पेस्ट, जो कि मैं 16-17 मिर्ची, साबुत मिर्ची का पेस्ट बना के तैयार की हूँ। अगर आप मिर्ची का पेस्ट बना के डालते हैं तो मछली ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। और आप मिर्ची पाउडर डालते हैं तो उसका ग्रेवी देखिएगा, और साबुत मिर्ची का पेस्ट बना के डालते हैं तो उसका ग्रेवी देखिएगा, टेस्ट तो अलग होता ही है, और ग्रेवी का कलर और थिकनेस भी दोनों में बहुत चेंजिंग रहता है। तो अब हम इसमें डाल दिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और जब ये मसाला पक जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और सरसों का पेस्ट। मसाला जितना अच्छा पकेगा टेस्ट उतना ज़्यादा आएगा मछली का बढ़िया। तो देख सकते हैं मसाला तेल छोड़ने लगा है साइड साइड से। तो मसाला डाल के आप बिल्कुल ना छोड़ें, इसको चलाते हुए पकाएं। तो अब इसमें हम डाल देंगे, मसाला पक चुका है, अब हम डालेंगे इसमें जीरा और सरसों का पेस्ट। जीरा सरसों का पेस्ट डालने के बाद आप घड़ी के टाइम से बिल्कुल 5 मिनट तक पकाएं मसाला, तब जाके आपका मसाला परफेक्ट पकेगा। जीरा सरसों का पेस्ट डालने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से चला लें। तो देख सकते हैं मसाला थिक होने लगा है, और मसाला लगने भी लगा है क्योंकि हम इसमें सरसों और जीरा का पेस्ट डाले हैं अभी, इसीलिए इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाएं, वरना आपका मसाला जल भी सकता है। और अगर आप और तेल खाना पसंद करते हैं मछली में तो इस स्टेज पे आप तेल डाल सकते हैं। तो ग्रेवी अब हम डाल दिए हैं, मसाला भून के तैयार हो चुका था। तो मैं मछली के लिए 1/2 लीटर पानी यूज कर रही हूँ। अगर आपको और पतला मछली का ग्रेवी चाहिए तो और पानी डाल सकते हैं। आधा लीटर और 1 कप मैं पानी एक्स्ट्रा यूज कर रही हूँ कि मछली डालने के बाद मछली भी कुछ पानी सोखता है इसीलिए। तो देखिए मछली का कलर, ग्रेवी का कलर कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और जब ये रस खोल जाएगा, बन के तैयार होगा, उसके बाद और बढ़िया इसका मछली का कलर लगेगा। तो देख सकते हैं रस मेरा तैयार, बन के तैयार हो चुका है। आप ऐसे भी फ्राई मछली साइड में रख लें और ग्रेवी डाल के खा सकते हैं, और नहीं तो मछली में डाल के 5 मिनट तक उबाल लें मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद आपका मछली बन के तैयार हो चुका है खाने के लिए। अगर किसी ढाबा या किसी होटल में खाने के लिए जाते हैं तो ग्रेवी बना तैयार रहता है, आप जब गए खाने के लिए तो रस गरम करके और
मछली में डाल के दे दिया जाता है खाने के लिए। तो अगर आप उस तरीके से चाहते हैं तो ग्रेवी तैयार रखें, और जब आते हैं खाने वाले कोई भी तो आप ग्रेवी गरम करके मछली पे डालें और सर्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के घरों में देहाती स्टाइल में जो मछली बनता है उसमें ग्रेवी तैयार हुआ उसके बाद मछली डाल के हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे लगने देंगे, उसके बाद मेरा मछली बन के तैयार हो जाता है। तो इस स्टेप पर हम डाले हैं इसमें कस्तूरी मेथी, आप अगर धनिया पत्ता पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और मैं गरम मसाला यूज नहीं कर रही हूँ कि गरम मसाला डालने के बाद मछली का टेस्ट सब्जी के जैसे आने लगता है इसीलिए। तो मेरी मछली की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो में इतना देर तक अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।